दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमेशा की तरह अपना वादा निभाता हुआ मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं, प्रस्तुत हूं आपके सामने, आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो किस्से मैं आपके लिए लाया हूं, सबसे पहले उनकी लिस्ट। कहानी नंबर वन, अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों एंटर होते थे मदन मोहन। दूसरे नंबर पर एक किस्सा जहां एक फिल्म में एक बेटे को सिचुएशन के अनुसार अपने पिता के मुंह पर थूकना था। और फिर उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया, जहां आज दिल याद करेगा डायरेक्टर मंसूर खान को। पांचवें नंबर पर जो सेगमेंट है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन, उसमें आज बताएंगे कि क्या रिश्ता है करीना कपूर का आर के नैयर के बीच। व्हाट इज द फैमिली कनेक्शन बिटवीन आर के नैयर एंड करीना कपूर। और अंत में पुणे से हमारी श्रोता प्रियंका वैश्य का प्रश्न। तो आइए आज के किस्सों के साथ गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। बात मदन मोहन के स्कूल के दिनों की है। उन दिनों मदन मोहन अपने परिवार के साथ मरीन ड्राइव स्थित आवास में रहा करते थे। पास ही था शैत्यु मरीन में फेमस क्लासिकल सिंगर जद्दन बाई का निवास। अक्सर जद्दन बाई अपने घर पर देर रात संगीत की महफिल का आयोजन किया करती थी, जिसमें उनको सुनने वालों के साथ साथ कुछ प्रसिद्ध कलाकार भी खुद परफॉर्म करने चले आया करते थे। और इधर बालक मदन मोहन को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था, लेकिन पिता राय बहादुर चुन्नीलाल के डर से मदन मोहन के लिए देर रात को होने वाली इन महफिलों में जाने की परमिशन नहीं थी और संभव भी नहीं था। ऐसे में रात का खाना खाने के बाद मदन मोहन सोने का बहाना करके अपने कमरे में चले जाया करते थे और घर के सभी सदस्यों के सोने के बाद चुपचाप मौका देखकर घर से बाहर निकल जाया करते थे। कहां पहुंचते थे? जद्दन बाई के घर, और वहां पहुंचकर इन संगीत महफिलों का लुत्फ उठाया करते थे। यहां बड़े बड़े कलाकारों को, फनकारों को सुनकर मदन मोहन बड़े गदगद हो जाया करते थे। बहुत कुछ सीखने को यहीं से मिला उनको। आधी रात को महफिल उठने के बाद मदन मोहन अपने घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप चोरों की तरह अंदर आते और सो जाया करते थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सिलसिला लंबे वक्त तक यूं ही चलता रहा और उनके माताजी पिताजी को कभी इस बात का पता ही नहीं चला कि बेटा कमरे में जाने के बाद आधी रात तक बाहर रहता है और सवेरे सवेरे लौटता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी एक फिल्म के लिए बलराज साहनी और उनके बेटे परीक्षित साहनी को साइन किया था। फिल्म में बलराज साहनी महात्मा गांधी का रोल प्ले कर रहे थे, परीक्षित साहनी ऊधम सिंह का रोल प्ले कर रहे थे। एक सीन के मुताबिक ऊधम सिंह यानी परीक्षित साहनी को महात्मा गांधी यानी पिता बलराज साहनी को गाली देनी थी और गाली देने के साथ साथ उनके मुंह पर थूक देना था। जब परीक्षित साहनी को इस सीन की जानकारी दी गई तो बड़े नर्वस हो गए। गाली देने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि पिता के मुंह पर थूकेंगे कैसे। बहरहाल सीन शुरू हुआ, परीक्षित साहनी ने अपना डायलॉग बोला और मुंह पे थूकने के बजाय साइड में थूक दिया। सोचा होगा कि कैमरे के एंगल में इस चीटिंग का पता नहीं पड़ेगा, सीन कट हो गया। लेकिन पिता बलराज साहनी को समझ में आ गया था कि बेटे परीक्षित के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। उन्होंने बेटे को बुलाया और कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा सीन में लिखा गया है। एक अच्छे एक्टर को कभी भी अपने काम में कोताही नहीं करनी चाहिए। परीक्षित साहनी को भी बात समझ आ गई और शॉट फिर से लिया गया। ऋषिकेश मुखर्जी की यह फिल्म रिलीज तो नहीं हो सकी, मगर इस फिल्म को याद करते हुए परीक्षित साहनी को डेडिकेशन का मंत्र जरूर मिल गया था। एंड वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा
और हम चले आए, तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं संजय गुप्ता बोल रहा हूँ। कहाँ से? जी जम्मू से बोल रहा हूँ। अच्छा संजय गुप्ता जी, स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम के शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। बताएं कहाँ पे रहते हैं जम्मू में? जम्मू में रूपनगर मोहल्ला, यहाँ रहता हूँ मैं, और मैं बेसिकली ब्लाइंड हूँ। यहाँ ब्लाइंड स्कूल में सर पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा जी, बच्चों को। जी तो आपका शो सर अनु कपूर जी के साथ बात करके आज तो मैं मतलब गदगद हो गया। नहीं संजय जी, ये सौभाग्य हमारा है, आप जैसे श्रोता हैं, संगीत प्रेमी हैं और इतना अच्छा है, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हो रही है। अपने बारे में बताएं, महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगा है सुन के, और आपकी कोई भी फरमाइश हो, कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज कहिए। आप सर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ सर। आप तो बहुत अच्छे, आपने एक्टिंग की है, मुझे पता है आपके बारे में बहुत, मैंने सुना है जी। एक रुका हुआ फैसला, जी जी जी, तो उसमें सर आपकी भूमिका कौन सी थी, मुझे ये नहीं पता चल पाया। देखिए, एक रुका हुआ फैसला 1984 में मैंने ये फिल्म की थी, और 1984 में मैं 28 साल का था, और एक रुका हुआ फैसला में मैंने 70 साल के एक बूढ़े का रोल किया। ये फिल्म बासु चटर्जी ने डायरेक्ट की थी जी, जी। और बेसिकली ये एक प्ले मेरे बड़े भाई रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था, जिसका नाम ही था एक रुका हुआ फैसला, और वहीं से बासुदा ने उनसे कहा कि ये मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो जो जूरर नंबर 9 होता है, आई थिंक 9 है, उसका रोल मैंने किया था, वो बुजुर्ग होते हैं, सबसे बूढ़ा होता है, उसका रोल किया था। सर तो फिर उसमें आपने कमाल ही कर दिया, मतलब आवाज का पता ही नहीं चलता कि अनु कपूर जी हैं कि वाकई एक, मतलब जिसको कहते हैं कि रियल एक्टिंग सर। ये इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्रार्थनाओं में दुआओं में याद रखिएगा, बहुत अच्छा लगा। और आप बताइए मैं क्या सेवा करूँ, कौन सा गीत सुनाऊँ आपको? जी सर, तो फिर बैजू बाबरा का गाना जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जी, तू गंगा की मौज, तो गंगा की मौज में जमुना का धारा, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है, और शकील बदायूनी साहब ने लिखा है, हम सब जानते हैं नौशाद साहब का म्यूजिक। मैं जरूर, थैंक यू वेरी मच, साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संजय जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय बाय। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा डायरेक्टर मंसूर खान को। मंसूर खान का जन्म 29 मई 1958 को हुआ था। आपके पिता नासिर हुसैन जाने माने प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर थे। माताजी का नाम श्रीमती आयशा हुसैन। दो भाई बहनों में इनकी एक बहन है नजहत हुसैन। इन्होंने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने के अलावा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एमआईटी बोस्टन में भी एडमिशन लिया था, मगर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पढ़ाई के बाद मंसूर ने अपने पिता को असिस्ट किया मंजिल मंजिल और जबरदस्त फिल्म में। इसके अलावा उन्होंने नरीमन पॉइंट पर स्कैन वीडियो के नाम से वीडियो एडिटिंग स्टूडियो की भी शुरुआत की। मंसूर खान द्वारा बनाई गई पायलट फिल्म उम्बर्तो को देखने के बाद आपके पिता नासिर हुसैन ने उन्हें कयामत से कयामत तक डायरेक्ट करने को कहा। उन दिनों मंसूर खान जिस स्टोरी पे काम कर रहे थे वो स्टोरी थी जो जीता वही सिकंदर की, मगर स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं थी, इसलिए उन्होंने पिता के कहने पर डायरेक्शन की शुरुआत की। फिल्म का टाइटल कयामत से कयामत तक। 1988 में रिलीज्ड मंसूर खान की पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके लिए इन्हें बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। मंसूर की अगली फिल्म रही 1992 में रिलीज्ड, जिसका टाइटल था जो जीता वही सिकंदर। आगे मंसूर खान ने 1995 में एक फिल्म बनाई अकेले हम अकेले तुम, और 2000 में फिल्म जोश। मंसूर खान की शादी हुई टीना से। इन दोनों की दो संतानें हैं, बेटी जैन और बेटा पाब्लो। कुदरत से प्रकृति से प्यार करने वाले मंसूर खान ने 2002 में मंडावा में सेटल होने के इरादे से जमीन खरीदी, मगर बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं होने के कारण उन्हें यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद 2003 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और फैमिली के साथ कुन्नूर तमिलनाडु में शिफ्ट हो गए। यहाँ ये करीब 22 एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की फार्मिंग करने के साथ साथ चीज का बिजनेस भी करते हैं, चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके साथ साथ मंसूर खान IIM बेंगलोर, बिजनेस स्कूल हैदराबाद और मॉर्गन स्टैनली जैसी संस्थानों में
विजिटिंग लेक्चरर भी हैं। 2013 में इनकी पहली किताब द थर्ड कर्व द एंड ऑफ ग्रोथ एज वी नो इट पब्लिश हुई। आगे मंसूर खान अपनी अगली दो किताबों पर और काम कर रहे हैं। आज हमने बड़े प्यार से मंसूर खान को याद किया। मुझे मालूम नहीं कि ये कार्यक्रम वो सुन पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर उनका कोई प्रियजन, उनके परिवार का बहन भाई नाते रिश्तेदार अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हमारे सलाम कबूल करें, प्रणाम स्वीकार करें। आज बड़े मोहब्बत से, बड़े पुरखलूस तरीके से हमने मंसूर खान को याद किया। वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें अपने बच्चों के साथ, और वो जो काम कर रहे हैं प्रकृति के नज़दीक जाके, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बड़ा जिगरा चाहिए फिल्म इंडस्ट्री की चमक धमक छोड़कर कुदरत के आगोश में बस जाने का ये फैसला बड़ी मर्दानगी का काम होता है। आप खुश रहें, सलामत रहें, रिश्ता पक्का है। ब्रेक में जाने से पहले, क्या था फैमिली कनेक्शन करीना कपूर और आर के नैयर के बीच, तो गौर से सुनिए आप। ये दो सेलिब्रिटीज, करीना कपूर आप जानते हैं और आर के नैयर गुजरे जमाने के एक बहुत आला दर्जे के डायरेक्टर, इन दोनों के बीच क्या है फैमिली कनेक्शन। करीना कपूर के पेरेंट्स श्री रणधीर कपूर, माताजी बबीता, बबीता के पिता कलाकार हरी शिवदसानी, हरी शिवदसानी के भाई थे सेवाराम शिवदसानी। इन सेवाराम शिवदसानी की बेटी हीरोइन साधना और साधना के पति थे डायरेक्टर आर के नैयर। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि इन दो सेलिब्रिटीज के बीच में क्या है फैमिली कनेक्शन। आज पुणे की प्रियंका वैश्य ने मुझसे ही प्रश्न पूछा है, मेरे बारे में ही, कि आजकल हिंदी फिल्मों में एक्टर खुद प्लेबैक सिंगिंग भी कर रहे हैं, आप भी अच्छा गाते हैं, क्या आपको कभी किसी फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला। जी हाँ, मुझे एक बार मौका मिला है, और ये नदीम श्रवण ने एक फिल्म के लिए मुझसे गवाया था जिसका नाम था श्रीमान आशिक। फिल्म डायरेक्ट की थी दीपक आनंद ने, और इस फिल्म में जो मैंने गाना गाया वो एक डुएट है, और गाना पहली बार मुझे गाने का मौका मिला ग्रेट आशा भोसले के साथ। जो गाना पिक्चराइज है बिंदु जी और अनुपम खेर के ऊपर। लेकिन इससे पहले भी मुझे एक मौका मिला है, जो मौका मुझे दिया था अमित खन्ना ने एक फिल्म में जो बना रहे थे, इस फिल्म का नाम था अंत। उस फिल्म में मैंने दो गाने गाए थे जो अमित खन्ना ने ही लिखे थे, और इत्तेफाक से वो फिल्म कभी बन नहीं सकी, रिलीज़ नहीं हो सकी, और उन गानों में जो संगीत निर्देशन था वो था बप्पी लहरी का। तो उम्मीद है कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।